हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गेम शो बदा मजामा। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉरस लैब की। तो लास्ट वीडियो मैंने एक्साइड बैटरी का डाला था, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिटेल एनालिसिस वीडियो था अपना एक्साइड बैटरी का। तो आज सबकी नीचे कमेंट में आ रहे थे लॉरस लैब को क्या हो रहा है। देखिए आज 8% जितना डाउन है, देख सकते हो आप लोग। तो चलिए बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि लॉरस लैब ओपन हुआ, ये वीकली चार्ट है बाय द वे। तो हम लोग ने देखा समर अबाउट 2017 में आया था, बट तब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो डाउन ट्रेंड में ही था, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। बट आफ्टर 2020 कोरोना के बाद, इसने कोरोना में हमको सबको बताया कि लैब्स जो थी, जो कोविड रिलेटेड हॉस्पिटल स्टॉक्स और लेबोरेटरीज रिलेटेड स्टॉक्स सारे भाग भाग रहे थे। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छा हमको रिटर्न प्रोवाइड किया था। कितने परसेंट का? 2020 में हम लोग को आया था, मार्च में आया था ये वाला, हम लोग मार्च 23 को ही देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे कितना परसेंट आपको रिटर्न दिया? सिर्फ 1000, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, 1000% हमको रिटर्न देखने को मिला था एक साल में। देखिए मार्च से लेके अगस्त तक 1.5 साल में हमको 1000% का रिटर्न देखने को मिला था यहाँ पे स्टॉक ने दिया था। तो अब क्या हो रहा है, इतनी रैली देगा तो सम अभी कूल डाउन भी होगा ये स्टॉक, वो भी जाहिर सी बात है। तो चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म व्यू क्या है मेरा। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड लिया था इसने 2000 सितंबर के दूसरे मंथ के बाद, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड किया और वापस से मोमेंटम दिया। हम लोग ने देखा अच्छी मोमेंटम आई थी, फिर क्या किया इसने, हाई लगाया समर अबाउट 750 के आसपास, और वहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देखिए लो मारा था इसने समर अबाउट 2022 के स्टार्टिंग में, और लो था समर अबाउट 450 लेवल्स के आसपास इसने लो मारा। और ये देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, मेजर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था जो है, मैंने मार्क करके ही रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो है सपोर्ट अपना 462.50 से लेके 434.30 का था अपना सपोर्ट, जो आज इसने ब्रेक किया है हैवी वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम्स को भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ क्या है वॉल्यूम्स में, देखिए आप लोग, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, गिर रहा है, बट अपने को 8% जितना आज ब्रेकडाउन मिला है यहाँ पे। अपना लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो टूटा है इसका, जो ये सपोर्ट था 430 के आसपास वो आज टूट गया है। हम लोग देख लेते हैं, देखिए 430 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट था वो तोड़ दिया है, इसलिए हम लोग आने वाले टाइम पे, मेरे को क्या लग रहा है, जो ये बन सकता है अपना सपोर्ट जो है 344 से लेके 311 तक, 345 से 311 तक, यहाँ पे हम लोग इसको क्या होगा, ये देखिए अभी होगा थोड़ा रिट्रेस होगा, यहाँ से मूवमेंट आएगा वापस से नीचे इस लेवल के आसपास, वापस कंसोलिडेशन करेगा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। अभी इसका मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है वो हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट क्या होगा वो तो हमको फ्यूचर में ही मालूम पड़ेगा। बट मेरी स्ट्रॉन्ग राय है, आप लोग इस एरिया में आए तो आप लोग बाय कर सकते हो, सब लोग थोड़ा थोड़ा SIP के जैसे आप लोग बाय कर सकते हो, आज बाय बाय बनेगा मेरे ख्याल से, आज अच्छा बाय बन सकता है, 8% है। तो सब लोग आप लोग अपने कैपिटल जितना SIP करने वाले हो उसका 1% भी आप लोग आज इन्वेस्ट कर सकते हो, 8% डाउन है इसीलिए, बाकी तो यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो इस लेवल के आसपास। अगर ये लो टूट जाता है अपना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको नीचे के साइड देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वे में अपने को यहाँ पे ये लेवल्स आ जाएंगे बाद में 110 के आसपास, ये लो नहीं टूटना चाहिए, 252 का मेजर इम्पोर्टेंट लो मीन सपोर्ट है इसका, 252 तोड़ा तो हम लोग डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक को यहाँ पे 110 के आसपास देख सकते हैं। मेरी राय है यहाँ से ये रिवर्स हो ही जाएगा मेरे ख्याल से मेजरली। आप लोग लॉन्ग टर्म ले रहे हो तो भी आप लोग स्टॉप लॉस रखते हो 200 का रख लो, क्योंकि सेफ है, जो अगर जाएगा इसको तोड़ेगा तो डायरेक्ट हम लोग 100 250 देखेंगे, उसके बाद हम लोग 110 देखेंगे, बट हम लोग सेफ साइड के लिए 200 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म
होल्ड करना है तो भी, और इतना इन्वेस्ट कीजिए जो आप लोग घुमा सकते हो, उसका उतना आप लोग परसेंट अपने क्या इनकम का लगा सकते हो। और देखिए इसको रेजिस्टेंस है अभी 5, ये यहाँ पे चैनल पैटर्न अभी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे समर अबाउट ये चैनल बढ़ जाएगी। हम लोग ने देखा ये चैनल भी इसका रेजिस्टेंस है, तो अभी हम देखेंगे 520 के आसपास भी रेजिस्टेंस हो जाएगा इसको स्ट्रॉन्ग वाला। और अभी तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ये, मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। 20% जितना डाउन मिले और तो आप लोग बाय कर सकते हो आप लॉरस लैब में। तो चलिए इसके हम लोग स्क्रीनर देख लेते हैं क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस है इसका, तो देख लेते हैं लॉरस लैब का क्या है चल रहा है। तो देखिए मार्केट कैप है 22,000 का, 22,000 करोड़ का। स्टॉक पी है अराउंड 28.6, ROCE 23.4% है, बढ़िया है, अच्छा है ये। और डिविडेंड यील्ड 0.6, फेस वैल्यू 2, वो अपने को कुछ लेना नहीं है नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैक्स करके तो क्या है इसका डाउन ट्रेंड। अभी देखिए डाउन ट्रेंड मैंने जैसे बोला यहाँ पे रैली दी, अभी कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत होगा और समर अबाउट हम लोग इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं 289 के आसपास, तो अच्छा मिल सकता है अपने को। तो प्रॉफिट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है प्रॉफिट्स में और क्या लॉस हो रहा है या नहीं। देखिए क्वार्टर 2019 में 60-78 इंक्रीज हो रहा है दिन बर दिन, देखिए अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। 20 में हाईएस्ट था 293% का, 293 का, फिर हमको डाउन ट्रेंड मिला और वापस से अप ट्रेंड देखिए मिल रहा है अपने को। मार्च में देखिए 221 का था बट अभी जून में 232 का मिला है, तो बढ़िया है अपने लिए, अच्छा स्टॉक है, होल्ड कर सकते हो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए। और इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, 922.88 देखिए इंक्रीज हो रहा है मार्च में, अच्छा है। थोड़ा यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है बट कुछ हुआ होगा इसीलिए डाउन है, नहीं तो अच्छा ही होता। मार्च 2021 में देखिए इसका 29, हाँ मार्च था इसीलिए बराबर है। अभी इतना सेल्स बढ़िया है, देखिए कंपेयर अदर ईयर्स कंपेयर करें तो अभी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म आगे आगे जाएगा ही ये लॉरस लैब, आप लिख के ले लो, अच्छा दिख रहा है मेरे को, फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। अभी आप कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं और कहाँ पे देखिए कंपनी कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं तो लॉरस लैब सबसे पहला नंबर है, उसके बाद है अजंता फार्मा, आयरिस लाइफ स्काई, कैपलिन पॉइंट, अमृतांजन हेल्थ, हेस्टर बायोस, मेडिक्लेम बायोटेक, सबसे अच्छी लॉरस लैब है। तो मैं आप लोग सेक्टर लीडर के साथ ही जाओ, प्रेफर करो लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो अच्छा बेट है ये लॉन्ग टर्म के लिए लॉरस लैब। अभी करंटली 420 के आसपास, 420 के आसपास है और आज 8% जितना डाउन है, तो आप लोग उठा सकते हो आज, अच्छा रहेगा। इसका प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं। कंपनी हैव डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30 CAGR इन लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक 28 बच्चा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर 3 ईयर्स। ओके प्रमोटर्स अपने स्टॉक घटा रहे, तो हम लोग चेक कर लेते हैं प्रमोटर्स का क्या है। प्रमोटर्स 32 पॉइंट था, 32 32। ओके प्रमोटर्स अभी देखिए लास्ट डिसम्बर से अभी तक इन्होंने कोई भी स्टेक बेचा नहीं है, तो अभी अभी तक अच्छा दिख रहा है। FII इसकी होल्डिंग का देख ले बढ़ रही है। ओके यस, FII ने हाईएस्ट होल्डिंग की है अभी तक की 22.67। पब्लिक के पास भी अच्छा माल पड़ा हुआ है, 40% पब्लिक के पास है। DII हम लोग देख लेते हैं, DII में अभी हम लोग स्टेक बहुत ही कम है, DII के पास अराउंड 10% के आसपास ही है, तो DII के पास माल नहीं है बट पब्लिक के पास ज़्यादा है और प्रमोटर के पास भी 27% है, मीडियम कहलाता है, इतना अच्छा नहीं है प्रमोटर के पास। तो देख लेते हैं, मैंने ये देखा अभी आप लोग करंटली बाय कर सकते हो, थोड़े बहुत आपको SIP करनी हो या कुछ भी इन्वेस्ट करना हो थोड़े शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी आप लोग के लिए अच्छी बैट बन सकता है लॉरस लैब। तो आप लोग देख लीजिए क्या करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं बुलिश ही हूँ, यहाँ से अभी रिवर्स भी कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ भी नहीं कह सकते। वापस से कोई कोरोना जैसा आ जाए, वापस आ तो रहा है, चाइना में भी लॉकडाउन लगे हैं वापस से, तो इसका मोमेंटम वापस से ऊपर जा सकता है, अच्छा दिख रहा है तो ले सकते हो। और ये कोई मैं
मेरी पर्सनल राय है यहाँ पे, आप लोग आपके एडवाइजर से एक बार बात करके आप लोग देख सकते हो। ये मेरा डिटेल एनालिसिस था लॉरा स्लैब के ऊपर, अच्छी है, बाय बन सकता है अपने को इस लेवल के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।